हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम फिर आ चुके हैं लघु उद्योग वाराणसी के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं जो बिजनेस बहुत ज़्यादा चलने वाला है। चलिए चलते हैं अंदर, मैम से बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी मशीन्स हैं और किस तरीके के बिजनेस आइडिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शबनम मैम। तो शबनम मैम, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। मैम, आज हम कौन से बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करने वाले हैं? आज हमारे व्यूअर्स को आप कौन सी बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाली हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं डिटर्जेंट मेकिंग मशीन के बारे में, जो कि पर डे का यूज होता है, जो हर घर पे यूज होता है, आपके घर, हमारे घर और सभी भाई बहनों, हर लोग ये यूज करता है। तो आज मैं इसके बारे में बताना जा रही हूँ कि कौन सी मशीन है। मैम, ये डिटर्जेंट बनाने के बिजनेस में कितने मशीन का सेटअप लेना जरूरी होता है? बिजनेस लगाने ये अगर डिटर्जेंट मशीन का अगर पूरा सेटअप लेना चाहते हैं तो 3 मशीन का सेटअप होता है। आप 2 मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 मशीन जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक में आपका क्या होता है कि सारा मटेरियल को हम मिक्स करते हैं, सेकंड जो आपकी मशीन आती है उसको चारने का काम करते हैं, और जो थर्ड आपका आता है वो पैक करता है ताकि मार्केट में सिर्फ सेल करना रहे। तो मैम, हमें चलिए मशीन्स दिखा दीजिए और मशीन्स के बारे में एक एक करके हमें बता दीजिए। देखिए, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये हमारा मिक्सर मशीन है, जो घंटे का जो प्रोडक्शन होता है ये 50 केजी एक घंटे में बनाएगा। इसमें कई मॉडल होता है, चाहे आप 50 केजी एक घंटे में बनाइए, चाहे 100 केजी बनाइए, चाहे 150, चाहे 200, आप एक घंटे का 50 से लेके 200 केजी आराम से डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्क्रीनिंग मशीन में। स्क्रीनिंग मशीन हमारा चारने का काम करता है। आइए हम आपको स्क्रीनिंग मशीन भी दिखा देते हैं। देखिए, ये जो जैसे कि मैंने आपको मिक्सर दिखाया, ये हमारा मिक्सर मशीन हो गया, ये हमारा स्क्रीनिंग मशीन है। ठीक है, अब आपको इसके साथ बैंड सीलिंग मशीन मिल जाएगी। 3 मशीन का काम क्या क्या है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक आता है कैशमिल मशीन। अगर आपको स्क्रीनिंग की जगह कैशमिल लेना चाह रहे हैं तो ये हमारा कैशमिल मशीन है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, कैशमिल में क्या होता है, वो भी हम आपको अंतर बता दे रहे हैं। ठीक, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल तैयार होता है तो वो हमारा चारने का काम करता है। ठीक, उसके बाद जो भी उसमें आपका बचा हुआ मटेरियल, वेस्टेड जो मटेरियल निकलता है वो क्या होता है कि अगर हम कैशमिल में स्क्रीनिंग की जगह कैशमिल लेते हैं तो कैशमिल में आपका चारने के साथ साथ फोड़ने का भी काम करता है। जो वेस्टेड होता है वो भी आपका फोड़ देगा, वो भी फिनिशिंग करके निकाल देगा, और साथ ही आपका ये सुखाने का भी काम करेगा। मैम, जो तीसरी मशीन है वो कौन सी मशीन है? फर्स्ट हमारा ये मिक्सर मशीन है, सेकंड हमारा स्क्रीनिंग है, और थर्ड हमारा बैंड सीलिंग है। ये मॉडल नंबर 25 में आता है, या अगर अलग से लेना चाहते हैं तो ये अलग से भी मिल जाएगा, ये कैशमिल होता है। ठीक है, मॉडल फर्स्ट सेकंड में हमारा 3 मशीन का सेटअप होता है, और थर्ड फोर्थ में भी आपका 3 मशीन का सेटअप होता है। ये बैंड सीलिंग मशीन है, ठीक है, जिसमें आपको पाउडर जो हम बनाते हैं मिक्सर मशीन में आपका जो मटेरियल होता है मिक्स करते हैं, स्क्रीनिंग में आपका चारने का काम करेगा। ये जो मशीन आपका है पैक करेगा, सिर्फ बनाकर आपको पैक करना है, पैक करने के बाद सेल करना है। इसमें कितने तरह का आप पैक कर सकते हैं आपको ये भी बता सकते हैं। आपका 10 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम कुछ भी आपको पैक करना है वो पैक कर लेंगे। अगर आपको डिटर्जेंट पाउडर भी पैक करना है तो वो भी आपका 5 केजी तक आराम से इसमें पैक हो जाएगा। मैम, अगर हम बात करिए तीनों मशीन के सेटअप का तो कितने से प्राइस स्टार्ट हो जाएगी? 3 मशीन का जो मेरा सेटअप है वो 85,000 में, आपका ये मशीन आपको 85,000 में मिल जाएगा, जो कि मार्केट में आप देखते होंगे मिलता होगा 1,20,000, 1,25,000, लेकिन हमारे यहाँ आपको 85,000 में इस टाइम ऑफर में मिल रहा है। ये ऑफर जो हम दे रहे हैं आपको, जो 1,20,000 का पड़ रहा है, ये हमारे यहाँ 85,000 में 3 मशीन का सेटअप मिल जाएगा, वो भी ये ऑफर प्राइस है। और ये आपको 17 सितंबर हमारा विश्वकर्मा पूजा जो है वो ऑफर चल रहा है, तो अगर आइए आपको मशीन का ऑफर लेना है तो प्लीज आइए हमारा ऑफिस विजिट कर लिए, और इसमें आप इनकम जो करने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करें इसके रॉ मटेरियल की तो रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या लगेगा और रॉ मटेरियल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ। देखिए, रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल सब कुछ हमारे यहाँ मिल जाएगा, मशीन के साथ साथ रॉ मटेरियल भी मिलेगा। रॉ मटेरियल में क्या क्या लगता है, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं उनके कि किस तरह से, क्या नमक सोडा से ही तैयार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत कुछ लगता है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपका कास्टिक रहेगा, सोडा, नमक, सैली, CBS और एस लिक्विड,
आपका परफ्यूम, अब परफ्यूम बताएगा कि आपको कौन सी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगा, लेमन का है या आपको गुलाब का है, बहुत सारा आपका इसमें खुशबू भी आता है। अगर आप जैसे यहाँ पे आपका देख रहे हैं ये अल्ट्रा वॉश है, ठीक है, यहाँ पे आप लेमन देख रहे हैं तो ये फ्लेवर रहेगा। और आपको कलरफुल चाहिए तो उसमें दाना, कलर दाना आता है, ठीक है, कलरफुल आप पाउडर को भी बना सकते हैं। और अगर आपको रैपर वगैरह जैसे आप देखते होंगे टाइड है, सर्फेक्सल है या व्हील है और सिक्का पाउडर, बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट आया है, तो इसी तरह ये हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है वाइट वॉश, ठीक है, बिल्कुल सर्फेक्सल की तरह है। क्वालिटी आपका सर्फेक्सल का रहेगा लेकिन नाम आपका, आप जो नाम देंगे वो रहेगा, ठीक है। आपको कोई भी क्वालिटी बनाना, चाहे आप घड़ी का बनाना चाहते हैं या फिर आप सर्फेक्सल का बनाना चाहते हैं, इसका जो क्वालिटी आती है बहुत ही क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी आती है। मार्केट में अगर आपको सेलिंग वगैरह करना है तो आराम से इसको बनाइए, 15 रुपये में आपका तैयार हो जाएगा और मार्केट में आराम से इसको 60 रुपये, 60 रुपये के जी में आराम से सेल कर सकते हैं। मैम बात करें अगर इस तीनों मशीन के प्रोडक्शन की तो वो क्या रहेगा? आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो घंटे का देखिए, घंटे का आपका 50 से लेकर 200 kg इसका प्रोडक्शन रहता है। मैम अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को अपने खुद के ब्रांडिंग करानी हो तो वो कैसे रहेगा? देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर जैसे होते हैं, किसी को टाइगर लिखवाना है, किसी को वाइट वॉश लिखवाना है, तो किसी को ये अल्ट्रा वॉश लिखवाना है, तो अगर आपको क्या नाम देना है ये आप सोचेंगे, आप डिसाइड करेंगे। कुछ भी आप ब्रांड देना चाह रहे हैं तो आप अपना ब्रांड, अपना नाम बता दीजिए, मुझे इस नाम का छपवाना है तो मैं उस तरह का भी आपको छपवा कर रैपर वगैरह सब कुछ दे दूंगी। मैम अगर बात करें इन तीनों मशीन में तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी? जी देखिए आपका ये 2 HP का मोटर होता है, सिंगल फेज से चलने वाली मशीन है, ठीक है, और इसमें अलग से कोई कमर्शियल लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, ये लघु उद्योग है, लघु उद्योग में सब कुछ घरेलू का ही, आप यहाँ पे कोई भी मशीन हमारे यहाँ लेते हैं सब कुछ आपका घरेलू से ही चलने वाली मशीन है, तो इसका कोई कमर्शियल की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इतना छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, ये काफी महंगा तो है नहीं कि आपको लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये आपको इनकम की अगर जो हम बात करने जा रहे हैं, इसका इनकम इतना है महीने का, महीने में आप 90,000 इसमें प्रॉफिट होने वाला है हर महीने का, तो अगर आप ये मशीन 90,000 लगा रहे हैं तो मान के चलिए 2 महीने में आपका ये मशीन का पैसा रिटर्न हो जाएगा। मैम जैसे अगर हम कोई बिजनेस खोलते तो हमें थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए होगा, तो ये जो अगर हम बिजनेस खोले डिटर्जेंट के तीनों मशीन लेकर के, तो उसके लिए स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा? स्पेस इसका 10x10 के रूप में आराम से आ जाएगा। मैंने तो आपको मशीन के बारे में सब कुछ बता दिया है और आपको सारा मशीन का आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि किस तरह का हम मटेरियल तैयार कर सकते हैं, बस इतना जानिए 15 से 20 रुपए में आराम से बनाइए, मार्केट में 60-65 में आराम से सेल करिए। अब बात करते हैं हम कि इसमें इनकम जो हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, तो 90 हमने आपको बताया कि 90,000 आपका इनकम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑफर में लेना है तो आप ऑफर प्राइस में लेना है तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करें, अगर कोई जानकारी छूटी हो या कोई नॉलेज आपको नहीं समझ में आ पा रहा हो तो प्लीज इस नंबर पे कॉल करें। और जो हमारा एड्रेस है बनारस अर्दली बाजार टकटकपुर गैस गोदाम,